श्रीनगर स्थित एनआईटी को लेकर जारी विवाद को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक प्रायोजित विवाद करार दिया। पिथौरागढ़ पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जो लोग एनआईटी को श्रीनगर से बाहर ले जाने का ख्वाब देख रहे हैं, उनका ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होगा। साथ ही सीएम ने कहा कि एनआईटी में जो भी दिक्कतें हैं उन्हें जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। चुनावी सभा को संबोधित करने पिथौरागढ़ पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पत्रकारों से कहा कि कुछ लोगों के द्वारा एनआईटी के मसले पर प्रायोजित विवाद किया जा रहा है। साथ ही सीएम ने कहा कि आचार संहिता खत्म होने के बाद एनआईटी के छात्रों की मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि अगर कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि एनआईटी श्रीनगर से बाहर जाएगा तो उनकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। देखिए, वहाँ पर जो दिक्कत आई है वो कुछ प्रायोजित भी उसके कारण है, लेकिन छात्रों की जो डिमांड थी उनका कहना था कि जो कैंपस है उसको बीच में एक रेशम का बगीचा पड़ता है, तो हमने उस पर स्वीकृति दे दी कि उसके बीच में हम सड़क बना देंगे, लेकिन अभी आचार संहिता की वजह से हम उस पर काम अभी प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। जैसे ही इस आचार संहिता समाप्त होगी हम उसको कर लेंगे। संवाद 360 के लिए पिथौरागढ़ से मनोज चंद की रिपोर्ट।